नहीं गाइस, ये हो क्या रहा है? अचानक से मैं ऊपर से क्यों गिर रहा हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बस इतना याद है, सब्सक्राइब करो, कमेंट में पावर अप लिखो। नहीं 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 नहीं, लग गई। ये कहाँ पे गिर गया? मिट्टी, मुंह के अंदर मिट्टी चली गई है। मैं हूँ कौन? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो मेरा काम हो चुका है, अब चलते हैं, डिलीवरी करनी है। बहुत देर हो गई है, टॉयलेट करने के बाद मजा आ गया, चलो निकलते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अंकल अंकल रुको, मैं ऊपर हूँ। अरे अंकल कहाँ पे लेके जा रहे? रुक जाओ। नहीं गाइस, ये अंकल मुझे कहीं तो लेके जा रहे, लेकिन रास्ते में मुझे पता चल गया मैं हूँ ओडिन पुत्र थोर, और मुझे सजा के तौर पे मिडगार्ड पे भेजा गया है। ये है मिडगार्ड, और मैं यहाँ पे बच्चा थोर बन चुका हूँ, यानी बेबी थोर। अब हमें पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। लगता है मेरा हैमर यहीं पे कहीं पे होगा, कहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन ये अंकल रुके तो ना। चलो फाइनली लोकेशन आ गई है, अब यहीं पे उतरते हैं और पूरी रेत को नीचे डाल दूंगा। चलो अब इसको नीचे करते हैं। ये अंकल तो मेरी तरफ आ रहे हैं, ये मुझे मार ना दे। नहीं तो बचाओ। ये क्या, ये बच्चे क्या उम्र लगती है? बच्चे तुम ठीक तो हो ना? नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। अरे ये तो मुझे मार नहीं रहे, और इन्होंने सही कहा, मैं तो आराम से उतर सकता था, मैं खाली फुका डर गया। अंकल आपकी वजह से मुझे बहुत चोट लगी, समझे? बेटा तुम ट्रक में क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। और मेरी बात किसी को मत बताना, खास कर पुलिस ऑफिसर को मेरी नौकरी चली जाएगी। ओह माय गॉड, ये क्या, ये यहाँ पे तो बिजली कड़क रही है। ये आई थिंक कोई सिग्नल हो सकता है, साइन हो सकता है मेरे हैमर का। मेरा हैमर कहाँ पे होगा? हैमर, अरे मेरा केस बंद कर देना ठीक है। अरे अंकल नहीं करूंगा, मेरा हैमर कहाँ पे? Where is my hammer? एक काम करते, थोड़ा भाग के देखते, लगता है समंदर के पास होगा। ओ वहाँ पे बिजली खिड़की, आप लोगों ने देखा, वहीं पे मेरा हैमर होने वाला है। जल्दी जल्दी भागो भागो भागो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये तो तूफान है, उड़ा दिया मुझे। अब तो मैं गया, मेरे हथौड़े के पास ही चलता हूँ सीधा। फाइनल में यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मेरा हैमर कहाँ पे? वाओ यहाँ पे तो बिजली खिड़की, आई थिंक मुझे मेरा हैमर मिल चुका है। चलो चलो चलो, फाइनल में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ओ क्या बिजली गिरी मेरे हैमर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा मेरा हैमर, यस हम लोगों ने ढूंढ लिया गाइस। चलो हैमर ऊपर लिख दो जल्दी जल्दी, जिसको भी थोर का हैमर पसंद है, और जो भी फ्यूचर में थोर का हैमर उठाना चाहता है वो हैमर ऊपर लिखना मत भूलना। चलो इसको उठाते हैं। आ जा, आ क्यों नहीं रहा? आ जा हथौड़े हैमर, ये आ ही नहीं रहा क्यों? एक काम करते, एक आखिरी कोशिश, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो हम उठा लेंगे। नहीं आ रहा, इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी सब्सक्राइब करो सब लोग, जिसने किया शुक्रिया, और नहीं किया करो, हम यहाँ पर उठा ही लेंगे। बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है? अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हाँ गाइस, आप सब लोगों को एक चीज ही बताना भूल गया, आपको तो पता होगा जो भी इस हैमर को उठाता है वो बनेगा बिजली का देवता, वो बिजली को काबू कर सकेगा, आसमान को, बारिश को, और सबसे बड़ी बात वो बनेगा एस्गार्ड का देवता। लेकिन मैं अभी इसे उठा नहीं पा रहा, इसके पीछे की रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मैं एक छोटा बच्चा बच चुका हूँ, इसके लिए मैं इसका भार नहीं उठा पा रहा। मुझे इतना काबिल बनना पड़ेगा कि मैं इसका भार उठा सकूँ, और मुझे बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े इंसान क्या करते हैं? मैं तो बड़ा हूँ, मैं ना बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ, खाना चाहिए तो खाना देता हूँ, रहना है तो रहने के लिए घर भी देता हूँ। पहले मैं बाहर सो जाऊँ, रास्ते में सो जाऊँ, कटर में सो जाऊँ, बस गुड वर्क करते रहता हूँ। ऐसी बात है, गुड वर्क, ओके गुड वर्क करके हम आगे जा सकते हैं। बच्चे सुन, तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या? हाँ आप आ सकते हो, क्योंकि आपकी वजह से मुझे ये आइडिया मिला, आ जाइए। तो चलो गाइस चलते हैं गुड वर्क करने के लिए, बहुत सारे गुड गुड वर्क करेंगे और बनेंगे बड़े हमारे हैं। अंकल आपकी कार तो मस्ती है। ओ बच्चे बहुत मस्त कार है। अरे वो छोड़ो, मुझे आपकी कार की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अच्छा काम कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट, आई थिंक कोई चिल्ला है ना? अरे हो बेटा कोई चिल्लाया। तो चलो चलो चलो, हमें हेल्प करनी है, हमारे इसी डायरेक्शन में ना। हो सही कहा, अरे मेरी कार। कोई बात नहीं, आपकी कार टूट गई तो मैं आपको नहीं दिलवा दूंगा, मेरे एस्गार्ड पे सोना बहुत है। ऐसी बात है, मुझे एक टोकरा दे दोगे? मैं आपको टोकरा क्या, आपकी कार भर के दे दूंगा। ऐसी बात है, तोड़ दो कार को मेरी। हमारे है कौन है? मुझे आग लगी है, हम आग का कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आग का तो नहीं करेंगे, हम उन्हें बचा के रहेंगे, लेकिन आग लगी कहाँ पे? चलो चलो चलते चलते चलते, फाइनल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके। वो देखो यहाँ पे लगी पड़ी आग, हमें इन्हें बचाना पड़ेगा। आप यहीं पे रुको ठीक है, मैं यहाँ पे उन्हें बचा के आता हूँ। क्या बच्चे क्यों? क्योंकि आप इंसान हो, आप यहीं पे रहो, हम उनको एक साथ नहीं बचा सकते। ये अच्छा काम बस मुझे ही करना है। फाइनल हम अंदर आ चुके, चलो चलो चलो, यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक आग लगी है। जल्दी जल्दी यहाँ पे देखते कौन जीतता है क्या। व्हाट, सब लोग तो मर गए, शिट मुझे आने में देर हो गई। वेट अ सेकंड, ये क्या, इसके अंदर से बिजली क्यों निकल रही है? ओ नहीं, ये जाग गए, भागो। लगता है बहुत ही खतरनाक जाल था, वो भी मेरे लिए। बच्चे बचाओ, आई थिंक ये जाल नहीं था, यहीं पे गए पे। आंटी आप रुको, मैं आ रहा हूँ। आंटी आप यहाँ पे हो? अरे हाँ मैं यहीं पे हूँ, मैं चिल्ला रही थी। कोई बात नहीं, अब आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलो चलो चलो, घर पे निकल के वापस आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं ना, आई थिंक कोई नहीं है। चलो मैंने इन लोगों को बचा लिया।
गया। कहाँ पे हो अंकल, आप दिख ही नहीं रहे। अरे यार वो तो गायब ही हो गए, अब मैं क्या करूँ। आंटी आप एक काम करो, आप यही पे रुको, मुझे उन अंकल को ढूंढना है। चलो चलते हैं, अंकल कहाँ पे गए होंगे, जल्दी जल्दी जाके देखते हैं। लगते वो अंकल आग से डर के भाग गए। ये क्या हो गया, ये किसका कॉल आ रहा है। बच्चे ये मेरा कॉल है, मैं आग से डर के भागा नहीं हूँ, इसने मुझे लेके गया। अबे कौन है। खत्म अंकल। अरे यार अंकल को किडनैप करके लेके गए, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, एक काम करता हूँ उनकी लोकेशन toggle.com पे सर्च करता हूँ, क्या उनकी लोकेशन आ रही है। हाँ उनका नंबर डालने के बाद मुझे लोकेशन मिल चुकी है। चलो अभी यहाँ पे चलते हैं। फाइनली गाइस मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ जहाँ पे आखिरी बार उनकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। तो चलो अब जल्दी जल्दी उन अंकल को ढूंढते हैं। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे भाई साहब ये तो एक स्पेसशिप है, लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, वो इंसान तो नहीं हो सकते, ये कुछ अजीबोगरीब चीज लगता है। कितना खतरनाक है, ऐसा लग रहा है ये कोई प्लांट है। शक्ल तो पेड़ जैसी दिख रही है, पेड़ ही होगा लेकिन हिल रहा है। ये तो बहुत ही खूंखार लग रहा है, हमें काम करना पड़ेगा, झाड़ियों के अंदर से छुप छुप के जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पता चल गया तो ये मेरे ऊपर हमला कर देंगे। चलो धीरे धीरे छुप छुप के चलते, धीरे धीरे धीरे। ओके हम लोग यहाँ पे पीछे पहुँच चुके, अब बस हमें इन्हें चकमा देके यहाँ से निकलना है। वैसे यार मेरी हाइट और मेरी साइज और मेरी एज बहुत ही छोटी है, 5 साल का तो हूँ, इनका मैं सामना कैसे कर पाऊंगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये हो क्या रहा है। शिट नहीं, ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा बन गया। यस मेरी हाइट मेरी साइज और मेरी एज अब 25 साल की हो गई है और मैं बन चुका हूँ थोर। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़ा बनने का रीजन है, मैंने उस आंटी की हेल्प की अपनी जान जोखिम में डाल के और मिडगार्ड पे अच्छा काम, इसका मतलब मैं एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। यस अब धीरे धीरे करके मेरी सारी पावर्स आ जाएगी और मैं बाद में एस्गार्ड चला जाऊंगा। वेट, इन लोगों ने तो मुझे देख लिया। बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा, तुम ऐसे नहीं बन सकते। ये ले, ये कहा, इससे बोलते हैं पावर्स। तुम लोग अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, ये लोग ऐसे नहीं मारने वाले। अब ये दो आखिरी बचे, तू तो गया, अब तेरी बारी। ये ले, फाइनली हम लोगों ने मार दिया। अब जल्दी जल्दी अंदर चलते, हम अंदर आ चुके। दोस्त तुम कहाँ पे हो, अंकल आ जाओ। ये रे, चलो चलते अभी यहाँ से, काम है मेरे पास, आ जाओ। अरे बच्चे आ रहा हूँ। गाइस हम आ चुके हमारे हैमर के पास, अब मैं इसको उठा सकता हूँ। हैमर अब तुम मेरे होगे क्योंकि मैं बड़ा बन चुका हूँ और उसके काबिल भी, तुम्हारा मैं भार उठा सकता हूँ। और ये कहाँ पे जा रहा है, हैमर रुक जाओ। ओह शिट नहीं, ये ऊपर कहाँ पे जा रहा है, अरे कोई तो रुको। अरे बेटा क्या हो गया, अरे यही पे हैमर था, ऊपर चला गया। आपने देखा नहीं, देखा ऊपर ही देख लो, ऐसी बातें, ऊपर कहाँ पे चला गया मेरा हैमर। नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो वही एलियन की स्पेसशिप है। मेरा हैमर मुझे दे दो, रुक जाओ। अरे यार अंकल कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये चले गए हैमर लेके, अब मैं क्या करूँ। सरप्राइज सरप्राइज, ये ले। ये क्यों क्या अंकल, ये नहीं हो सकता, आपने धोखा दे दिया, आपको मैं छोड़ने नहीं वाला। वेट आप यहाँ पे, आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत बात है। तुम्हें अभी तक लग रहा है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम्हें मेरी असली सच्चाई देखनी है तो देख लो, मैं हूँ लोकी और तुम्हारा बियोनिट मेरे पास है और मैं आपसे हूँ एस्गार्ड का राजा, अब मैं वहाँ पे राज करने वाला हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, तुम अब गए। ये लो, ये क्या हो गया, अचानक से कहाँ पे चला गया, मुझे एस्गार्ड को बचाना पड़ेगा, मैं एस्गार्ड को बचा के रहूंगा। यहाँ पे कहाँ पे कोई दरवाजे, मुझे ऐसे निकलना है, लगते वही पे एंट्रेंस। लोकी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो चलते, ये क्या हो गया, मैं तो पानी के अंदर आ गया। चलो निकलते अभी यहाँ से। वेट अ सेकंड, ये क्या हो गया, मैं इतना मोटा और इतना बूढ़ा कैसे बन गया। आई थिंक मेरी अब एज हो चुकी है 99 साल, मैं जल्दी से जल्दी लोकी को रोकना पड़ेगा नहीं तो मैं मिडगार्ड पे ही मर जाऊंगा। मैं अपनी खुद की लाइफ जी रहा हूँ, वो भी 99 ईयर्स की। जब तक मैं अपना हैमर नहीं ले सकता तब तक मैं अमर नहीं हो सकता, बस 1 साल बचा है। चलो चलते हैं। ये क्या, ये तो वही स्पेसशिप है। भाई कैसे हो, लोकी रुक जाओ, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ये गलत हो रहा है गाइस। यार ये तो भाग रहा है, हमें इसे रोकना पड़ेगा लोकी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला। गाइस हमें भी एक जहाज चाहिए होगा, अब वो जहाज कहाँ पे मिलेगा, आई थिंक एयरपोर्ट के ऊपर। हट जाओ तुम, अब मुझे ये वाहन चलाने दो, अब मैं हवाई जहाज लेने के लिए जा रहा हूँ। चलते एयरपोर्ट के ऊपर, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके। ए बच्चे कहाँ पे जा रहा है, हटो अंकल इम्पोर्टेंट काम है, मुझे एक प्लेन चाहिए होगा। फाइनली अब यहाँ पे पहुँच चुके, प्लेन ये रहा प्लेन, अब इसे लेके हम लोकी को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, उसको मैं छोड़ने वाला।
गाइस सारे लोग पावर अप लिख दो, हमें पावर अप की बहुत जरूरत है, बहुत सारी पावर चाहिए। हमारे है लोकी। गाइस ये रहा लोकी का हवाई जहाज, अब इसका क्रैश लैंडिंग करवाते हैं। लोकी तुम गए बोल नहीं। ये लो। अच्छा मैं यहाँ पे कूद गया, भाई को पता ही नहीं है मैं यहाँ पे हूँ। अब चलते हैं एस्गार्ड। भाई सरप्राइज, ये रहा यंग थॉर और उसका हैमर पावर। ये लो, अब जाओ एस्गार्ड पे कैदी बनो। कायदा के लिए तय, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता दो और सबक्राइब करना मत भूलना। अब तक के लिए बाय बाय।